मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? और रात को यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी धूप है कि लग ही नहीं रहा कि कल यहाँ पे बारिश भी हुई थी। और गर्मी वैसी ही है जैसी सुबह के टाइम पे होती है। और बस अभी कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं और आज बन रहे हैं हमारे आलू के पराठे। बट क्योंकि ब्रेकफास्ट में नहीं बनेंगे, ये बनेंगे लंच में। तो हमारा लंच ब्रेकफास्ट ब्रंच है ये। तो अब बन रहे हैं आलू के परांठे। मेरी बेटी का फ्रेंड आ रहा है घर पे, बहुत सालों बाद आया है वो यहाँ। तो बोला कि आपके हाथ का खाना खाना है तो मैंने उसे पूछा भी था कि आप बनाऊँ, तो बोले कि आप जो भी बनाएंगे खा लेंगे। तो फिर मम्मी ने सजेस्ट किए कि आलू के परांठे। मैंने तो सोचा था दाल मक्खनी और सब्जी रोटी ये सब बनाएंगे, बट मम्मी बोली आलू के परांठे बनाते हैं। तो गुड आइडिया, मैंने कहा चलो आलू के परांठे हमारे पंजाबी स्टाइल, और वैसे भी बाहर साउथ में मिलते भी नहीं है, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो वही बस अब उसी की प्रिपरेशन होगी। तो बस अभी फ़िलहाल कॉफ़ी पी रहे हैं, बैठे हुए हैं। आजकल मैंने हेयर केयर करना शुरू किया क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। अब थोड़ी शाइन आ गई है थोड़ा सा केयर करने से। मैं आजकल अंडा और दही ये सब लगा रही हूँ बालों में। तो बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था और हल्के बहुत हो गए। आप देख सकते हैं कितने पतले से बाल हो गए हैं। एक तो हेयर कट भी ऐसा है कि वी शेप का है, नीचे से तो पतला लगता है बट ऊपर से जब पकड़ते हैं यहाँ थोड़ा हेल्दी दिखते हैं। तो फिर थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि नहीं यार बाल तो ठीक है ये हेयर कट की वजह से ऐसे लग रहे हैं। लेकिन जो रफनेस और ड्राइनेस आ गई थी उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया है। मतलब मैं एग और दही है वो लगा रही हूँ बालों में, और ऑनियन ऑयल जो मेरे पास है वो लगा रही हूँ। तो उससे बाल बहुत स्मूथ और थोड़े, आप देख सकते हैं शाइन, आप देख ही सकते हैं बालों में आ रही है। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, कुछ भी नहीं करना। एग वाइट लेना है और दही लेना है, दोनों को मैं तो मिक्स करके लगा लेती हूँ। और आप सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं और अपना आधा पौना घंटा रखो और उसके बाद धो लो बाल। तो ये सब आप ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये घर की चीज़ें ख़राब भी नहीं करती हैं बालों को। तो नुकसान कुछ नहीं होगा, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं है। मतलब केमिकल वाली चीज़ों से तो बेटर ही है कि घर की कुछ ना कुछ चीज़ों में से ही अगर हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए तो तो अपनी इंडियन किचन में इतना कुछ है कि हमें बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतने मसाले, इतने तरह की वैरायटीज़ की चीज़ें हैं कि बाल क्या, स्किन क्या, शरीर क्या, हर चीज़ के लिए घर से ही उपचार निकल आते हैं। एनीवेज अब मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, बहुत बातें हो गई तो हमने हमारे कान्हा जी बिठाए हैं, अब हम आपको दिखाती हूँ। मैं मम्मी ने उनको नला दिला के तैयार कर दिया, एक सेकेंड। तो ये हमारे कान्हा जी हैं मम्मी के हाथ में, आप देख सकते हो। ये रे तैयार हो गए हैं, इनको रोज नला धुला के बिठाते हैं, मम्मी भोग लगवाती हैं। कान्हा जी बिठाए हैं हमने घर में, छोटे जो कान्हा जी लड्डू गोपाल जो होते हैं उनको हमने एज अ फैमिली मेम्बर लेके आए हैं। तो अब उनको रोज सुबह बच्चों की तरह पहले दूध पिलाते हैं, फिर उनको उठाते हैं, फिर दूध वगैरह होता है, फिर उनको नहलाना धुलाना भोग लगाना, तो ये सब होता है। तो
बहुत, मतलब मम्मी भी लगी रहती हैं, मगन रहती है इसमें, और अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है छोटा बच्चा हमारे घर में कोई है, जिस हिसाब से उनकी केयर होती है। एक दिन मैं पर्टिकुलर इसी पे आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगी, कान्हा जी के वस्त्र और सब चीज़ें, बहुत प्यारा प्यारा सामान है। तो चलिए, अभी मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। सुबह सुबह यही टाइम होता है, थोड़ी बातें कर ले, और थोड़ी बातें मैं बोलना शुरू होती हूँ तो बहुत 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 बोलने ही लग जाती हूँ। कई मेरे फ्रेंड्स वीडियो देखते हैं, बोलते हैं बाप रे तू कितना ज्ञान देती है, लेक्चर बांटती है। बट क्या पता मेरे ये बातें किसी को अच्छी लग जाए या किसी के कोई काम आ जाए, मैं तो इसीलिए बोल देती हूँ भाई। चलो ठीक है, अब नहीं बोलूंगी, अब खाना वाना ही बनाएंगे, तो बात करते हैं, पहले कॉफी पी लेते हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे नमक। नमक आपको टेस्ट के हिसाब से डालना है। फिर इसमें डालूंगी अजवाइन और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा, और इसमें डालूंगी मैं गरम मसाला थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाला मैंने। और इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर, ये आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, तो ये मैंने 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल दिया इसमें। अब मैंने अदरक और हरी मिर्च जो है बारीक काट के रखी हुई है वो डालेगी इसमें। अगर आप लोगों को अदरक नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है, बट इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये है हरा धनिया बारीक कटा हुआ जो धो के रखा हुआ है, ये मैं डालूंगी। और इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटे हुए प्याज, तो ये 5 से 6 प्याज मैंने जो है काटे हैं, ये डालेंगे। और बस अब इन सबको मिक्स करना है हमें। तो आलू का मसाला मेरा रेडी हो गया, आपने देख लिया कैसे करना है। और एक टिप है, अगर कभी आलू कच्चे रह जाते, कभी कभी क्या होता है पूरे आलू नहीं पकते, तो जो कच्चे आलू है आप उसको कद्दूकस कर लीजिए बीच में, उससे क्या होगा कि जब आप रोटी बनाएंगे तो उस समय में वो पक जाते हैं, हल्के कच्चे रह जाते हैं, ये नहीं कि निकाल के फेंक दिए, तो हो जाता है कभी कभार ऐसा जल्दबाजी में। तो बस अब वेट कर रही हूँ प्रेरणा के फ्रेंड का, वो आएगा तो हम लोग परांठे बनाने शुरू करेंगे, और बाकी मेरी प्रिपरेशन सब हो गई है। चलो
सिम्बा तू कहाँ जा रहा है? सबसे पहले भागेगा बाहर, कहीं मैं ना रह जाऊं। शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं लाइफस्टाइल थोड़ा कुछ लेना है, गिफ्ट लेना है मुझे अपनी एक फ्रेंड के लिए। और होम सेंटर नहीं जाऊंगी, नहीं तो ज़रूर व्लॉग बना देती होम सेंटर का। तो लाइफस्टाइल में बस मुझे एक गिफ्ट लेना है और फिर घर जाएंगे। तो बनाने के बाद परांठे वरांठे, मैं लेट गई थी, फिर बच्चे भी थोड़ा बाहर चले गए थे, तो अभी निकले हैं लाइफस्टाइल के लिए। तो चलिए ठीक है, जाके आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, क्या लेती हूँ। कुछ डिसाइडेड नहीं है, बस गिफ्ट लेना है। वही सोच रही हूँ कि क्या लूँ, इंडियन, वेस्टर्न या कुछ कॉस्मेटिक का, आई डोंट नो, लेने के बाद पता लगेगा। तो बस वही लेने आए हैं, फिर बात करते हैं। पार्किंग कर रहे हैं गाड़ी। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को। और अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।